गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी हम भी अच्छे हैं और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा फुल लुक है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हम घर में ही कर रहे हैं। वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं है और इतनी ठंड हो रखी है कि उसमें मैं बाहर भी नहीं गई, क्योंकि छोटे बच्चे अभी वो तो कोल्ड ड्रिंक पिए बिना और आइसक्रीम खाए बिना बिल्कुल नहीं मानते हैं। इसलिए हमने जाना बाहर कैंसिल किया और घर पे ही केक कट करेंगे। आप फुल ब्लॉग को एंजॉय करना और लाइक भी कर देना साथ में, और न्यू तो सब्सक्राइब भी कर देना। हे गाइस, यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। आज मैंने बाल भी धोए हैं, सर्दी इतनी हो रखी है और मैं अपनी पूजा कर रही हूँ सुबह की। तो जी हमारी पूजा हो जाती है, अब हम चलते हैं अपनी किचन में। पूजा करके आ गई हूँ, यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, अब हम चाय पीते हैं जी। आप भी चाय पी लिए जी, सर्दियों में गर्म गर्म चाय का मज़ा ही अलग होता है। बाल धो के नहाई हूँ तो ज़्यादा ठंडी लग रही है, इसलिए चाय पी लेते हैं। हमारा सामान इसमें है ये पनीर और ये हमारे पाव, आज बनेगी पाव भाजी। और ये भी आ गया है जी केक, और यहाँ आ गए हैं हमारे समोसे, खा लेते हैं। अवनी ने तो खा भी लिए हैं बच्चों ने, और इधर बन रही है जी हमारी चाय, चाय के साथ समोसे खाएंगे। यहाँ पे हो रही है जी हमारी पाव भाजी की तैयारी। आज खाने में बनेंगे पाव भाजी, चटनी हमको बहुत टेस्टी लगती है, तो हम इसमें डाल लेते हैं पानी। अब हम इनको बॉइल्ड होने के लिए रख देंगे। नमक डालेंगे थोड़ा और हींग, हींग सभी खाने में डालना चाहिए। नमक भी हम सेंधा ही यूज करते हैं, वैसा नमक नहीं खाते हैं, यही सबको यूज करना चाहिए, अच्छा होता है। और ये आ गया जी हमारा इसमें हींग। मैं इस पर लगा देती हूँ ढक्कन, जब तक अपनी किचन को थोड़ा साफ कर लेती हूँ। ये टमाटर प्याज मैं काटूंगी, फिर इनको ग्रेट करेंगे। ये मैंने पहले ही धो लिए थे, तो अब इनको काट लेते हैं। अपनी ट्यूशन जा चुकी है, 4 बज गए हैं 4 बजे वो चली जाती है, और वेदांत टीवी देख रहा है। आज ठंड भी बहुत है, मैंने बाल धो लिए, अब मेरे बाल सूख नहीं रहे हैं। ड्रायर से मैं सुखाना नहीं चाहती, पहले बहुत ख़राब हो चुके हैं मेरे बाल, ड्रायर से ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने किया नहीं, बस ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए ड्रायर भी। हरी मिर्च भी काट लेंगे साथ ही इसमें, क्योंकि ये तो हमें पीस नहीं है। मैं लहसुन भी साथ के साथ ही छील लूंगी अपना, ये तो छोटी छोटी कलियां है, बहुत टाइम लगेगा। जब तक हमारा ये बन रहा है जी, बस अभी सीटी आ जाएगी थोड़ी देर जी। ये बन गई है हमारी अमरूद की चटनी, फ्राइड चटनी, बहुत टेस्टी लगती है ये। अगर आपको बनानी है तो कमेंट करिए, मैं आपको रेसिपी बता दूंगी, रेसिपी की अलग से वीडियो बन जाएगी, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। वेदांत क्या कर रहा है ये देखिए, इसका टीवी चल रहा है, अपनी ट्यूशन जा चुकी है, तो वेदांत इसका फ़ायदा उठा रहा है।
और जी साइकिल भी यहीं खड़ी कर रखी है इसने, तो ये क्या कर रखा है आपने, ये सब चीजें यहीं पे डाल देते हो। ईद का फुल मजा लिया जा रहा है जी, लेट के देखो। हेलो बोल दो। हेलो गाइस, इतनी आ चुकी है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये ले लिए है बैलून, अब इनको फुलाएंगे हम। जैसे कि आपको पता ही है हम बैलून के बहुत शौकीन हैं। अब नहीं बोल रही थी कि मम्मा मैं कर दूंगी, लेकिन मैं जब तक वो ट्यूशन से आएगी मैं कर लेती हूँ थोड़ा। तो ये निकल जाता है हमारा सामान, ये देखिए मैं अपने बैलून निकालूंगी, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत ही करूँगी मैं। ये वेदांत के बर्थडे पे बहुत सारे लेके आए थे तो बच गए थे, बस इनसे ही कर लेंगे थोड़ी सी डेकोरेशन और इसमें लगाते हैं हम अपना, फिर से वही प्रोसीजर करते हैं। अब ये बहुत इजी हो गया, मैंने इसको देखा तो एकदम से ले लिया, ये तो बड़े काम की चीज़ है भाई, इसको ज़रूर लेंगे हम। ऐसे लगा के इसको फटाफट फटाफट, ये देखो देखिए मैंने शुरू करा नहीं और वेदांत आ गया। मम्मी मैं भी उड़ाऊंगा, ये इनको उड़ाना नहीं है, इनमें हवा भरनी है। मैं हवा फुलाने की बात कर रहा हूँ। ओके चलो भर दो, तो भर दो चलो हवा। कौन सा फुलाना है? कोई सा भी ले लो, मतलब बिल्लू बस यही करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। करो मैं गांठ लगा दूँगी, ठीक है? ठीक है। वेदांत मम्मा की हेल्प कराने में बिजी नहीं रहता, अपनी भी डेकोरेशन का काम अच्छे से कर लेती है। मैं भी कर लेता हूँ। और ये भी कर लेता मेरा क्यूट से बेबी, अभी देखना ये हवा भर देगा इसमें फटाफट। है वेदांत बस लग गया, इसको पकड़ो अच्छे से टाइट पकड़ो, आगे से हवा ना निकले। ये देखिए इससे बच्चे भी कर देते हैं इजीली, बहुत आसान है ये करना और आपकी डेकोरेशन हो जाएगी फटाफट से। जी ये आ चुकी है मेरी ड्रेस, अब हम रेडी हो जाते हैं। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the door, so won't get lost now. To the moon. कमेंट में ये भी बताना कि मैं कैसी लग रही थी। ये मैंने अभी सूट रेडी कराया है अपना और ये अभी ऐसे ही चले हुए हैं। ये हमारी फुल डेकोरेशन हो चुकी है, केक भी आ गया है, ये देखिए। इतना खेल लिया है कि ये थक गया, ये देखिए। अरे सॉक्स नहीं उतारना, ठंड हो रही है। चुप गया ये उदय, उदय बोलेगा हेलो गाइस, हेलो गाइस। और ये स्काई लुकिंग हाई, ऑल द पीपल यू आर द वन एंड ओनली यू नो, वांट टू बी विद यू। थैंक यू जी, थैंक यू। अजय मेरा बेटा तो बीच में लाएगा ये। हैप्पी एनिवर्सरी, कट हो गया है, आप भी आ जाइए केक खा लीजिए। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। बात ना हो उसके दूसरे खाया अभी तक चला आए रख के बंद करना। अभी मैं तो इधर देखो बेटा, इधर बिना धो नहीं रख ले, फिर से खाओ भाई। वाह केक बड़ा टेस्टी है ना। केक कट कर रही है, प्लेट में लगा रही है सबकी, और वेदांत से वेट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, और वेदांत के डैडी फोटो खींचने में लगे हुए हैं। केक बड़ा टेस्टी है खाने में, यम्मी। तो ले लेना वो प्लेट में रख गया वो वाला, ले लो आप, चलो लो।
ये ले लो, रख दो। चलो अब वहाँ बैठ के खाओ अच्छे से। अवनी ने कर दिया सर, इसके बाद फिर हम खाना खाएंगे बस। अगर तुम्हारा बर्थडे बोल दो, हैप्पी एनिवर्सरी। लाओ जी मेरा गिफ्ट तो दो। लो जी गिफ्ट दो ना। देखिए भाई गिफ्ट ये मेरा सबसे बहुत जरूरत है। खोल के तो देख। मेरा पहला चश्मा टूट गया तो ये न्यू बना है। न्यू अभी मैं लगा के दिखाती हूँ। देखो जी कितनी स्मार्ट लगेंगी तुम्हारी। कितनी टीचर लग रही है। ये कैसा लग रहा है आप भी? अब एक सेल्फी हो जाए। हमारा तड़का फ्राई हो रहा है, अभी थोड़ी देर में बन जाएगा ये पाव भाजी का मसाला। हरी देर हमने पाव भाजी उबाल ली है इसमें, पूरी हमारे पाव आ चुके हैं। तो जी ये देखिए हमारा भाजी रेडी हो गई है। यहाँ पे कट रहा है जी हमारा हरा धनिया गार्निश करने के लिए। और तो जी हमने पनीर डाल दिया है, हमारी बनने वाली है बस। तो टेस्ट लगेगी यम्मी यम्मी। तो जी ये हमारे पाव सिक रहे हैं इधर, और यहाँ हमारी प्लेट रेडी हो गई है। अभी आ जाइए अमरूद की चटनी, पाव और भाजी, और जी हरी चटनी वाले प्याज भी बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। गर्म गर्म थाली तैयार हो गई है वेदांत के लिए। वेदांत चलो जी वेदांत के लिए लेके चलते हैं। वेदांत ये लो जी अपना खाना। वेदांत के डैडी आ जाओ भाई। यहाँ लगा खाने में मस्त है, यहाँ तो फोन ही चल रहा है। हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं प्यारे से नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।